Hello students, Mind Solution और Solutions Classes में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम Time, Speed and Distance के related sum solve करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले question की तरफ। हमारा जो पहला question है वो है An express train travels 299 km between two cities. During the first 111 km of the trip, the train travels through mountainous terrain and the train traveled 10 km per hour slower through the mountainous terrain than through level terrain. If the total time to travel between the two cities was 7 hours, then what is the speed of the train on level terrain? तो एक दो सिटीज है, सपोज पहला है सिटी ए और दूसरा है बी। तो एक ट्रेन है जो इस सिटी ए टू सिटी बी, ये डिस्टेंस जो है ये कवर कर रही है। अब इस डिस्टेंस में जो है ये टोटल 299 किलोमीटर है, टोटल जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। अब इसका जो पहला 111 किलोमीटर है, पहला 111 किलोमीटर है वो माउंटेन टेरेन है और जो रिमेनिंग 188 किलोमीटर है वो लेवल टेरेन है। और ये बोला गया है कि माउंटेन टेरेन में जो ट्रेन का स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है। तो अगर हम एज्यूम कर ले कि लेवल टेरेन में उसका स्पीड एक्स है, किलोमीटर पर आवर्स है, तो माउंटेन टेरेन में उसका स्पीड होगा एक्स माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। और ये बोला गया है कि इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 7 आवर्स टाइम लगा है उस ट्रेन को। तो यानी कि अब देखिए स्पीड जो है वो है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम जो है वो है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फिर अब माउंटेन टेरेन में जो डिस्टेंस है वो है 111 और जो स्पीड है वो है एक्स माइनस 10, और जो लेवल टेरेन में जो डिस्टेंस है वो है 118 और जो स्पीड है वो है एक्स किलोमीटर। तो ये है टाइम टेकन टू पास दिस माउंटेन टेरेन और ये वाला पार्ट है टाइम टेकन टू पास दिस लेवल टेरेन। और बोला है कि टोटल टाइम टेकन है 7 आवर्स, तो फिर ये है इक्वल्स टू 7। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, या हम लिख सकते हैं कि 111x प्लस 188x माइनस 1880 ये है इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 70x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 7x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 111 और 188 को प्लस करने से हुआ 299, प्लस 70 करने से हुआ 369, तो 369x प्लस 1880, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर 1880 को हम लिख सकते हैं 47 इंटू 40, और यहाँ पर है इंटू 7, तो 7 से 47 को मल्टीप्लाई किया तो 329 इंटू 40। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 7x स्क्वायर माइनस 329x माइनस 40x प्लस 1880। तो यहाँ से लिख सकते हैं x की वैल्यू जो है, पहला x का वैल्यू है इक्वल्स टू 47 और दूसरा है 40/7। अब देखिए ये जो 40/7 है ये है लेस देन 10
यानी कि अगर x अगर 40 by 7 होता है तो फिर x minus 10 negative हो जाएगा, लेकिन speed negative नहीं हो सकता, इसलिए correct answer है x is equals to 47, यानी कि यहाँ पर जो speed है of train at level terrain है वो है option number C, 47 kilometers per hour. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि x एक्सप्रेस विच गोज फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई. तो एक एक्सप्रेस है, ये ट्रेन है जो हैदराबाद से चेन्नई की तरफ जाता है. इट लीव्स हैदराबाद एट 5:30 AM एंड ट्रेवल्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. तो x ट्रैवल करता है 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स Nangola, which is 100 kilometer away. So basically, यहाँ पे हैदराबाद है. वो हैदराबाद से चेन्नई की तरफ जा रहा है. और बीच में होगा Nangola, जो कि है towards Nangola, which is इनके बीच का जो distance है, वो है 100 kilometer. 100 किलोमीटर. उसके बाद है कि अब ये तो 5:30 बजे एक एक्स एक्सप्रेस है, एक एक्स एक्सप्रेस है जो 5:30 में हैदराबाद से निकलता है नानगोला की तरफ क्योंकि इसको चेन्नई जाना है. और 6 बजे वाई एक्सप्रेस जो है वो 6 बजे नानगोला से हैदराबाद की तरफ निकलती है. और इसका जो कॉन्स्टेंट स्पीड है वो है, इसका है 50 किलोमीटर पर आवर और y का है 40 किलोमीटर पर आवर. और साढ़े 6 बजे एट 6:30 AM मिस्टर शाह द कंट्रोल ऑफिसर रियलाइजेस बोथ द ट्रेन्स आर ऑन सेम ट्रैक. सो हाउ मच टाइम डज मिस्टर शाह हैव टू अवॉइड द एक्सीडेंट. यानी कि 6:30 बजे उसको एक मिस्टर शाह जो कि कंट्रोल ऑफिसर है उसको रियलाइज होता है कि दोनों ट्रेन जो है वो सेम ट्रैक पे है और एक दूसरे से टकराने वाली है. तो मिस्टर शाह के पास कितना टाइम है कि वो इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके, यानी कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से ना टकराए. तो देखिए ये जो ट्रेन एक्स है वो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मतलब 1 आवर चल रही है और स्पीड जो है उसका है 50 किलोमीटर पर आवर. तो ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और 5:30 से 6:30 बजे तक चली है तो मतलब 1 आवर चाहिए. यानी कि एक्स ने एक्स 6:30 पे एक्स जो है उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है. अब नेक्स्ट ये तो हो गया कि ट्रेन एक्स ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है. अब जो ट्रेन वाई है वो 6 से 6:30 मतलब 30 मिनट्स हाफ एन आवर उसने रन किया है 6:30 बजे तक और उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया है 6:30 बजे तक वो है हाफ इंटू 40 जो कि है 20 किलोमीटर्स. यानी कि ट्रेन वाई जो है वो उसने 20 किलोमीटर्स तय कर लिया है. अब ओवरऑल डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा है वो है 100 माइनस 50 प्लस 20 जो कि है इक्वल्स टू 30 किलोमीटर्स. यानी कि 6:30 बजे दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर्स का. अब देखिए अब क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे के तरफ बढ़ रही है तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो होगा सम ऑफ द स्पीड. तो फिर डिस्टेंस जो कि बाकी है वो है 30 किलोमीटर, स्पीड जो है वो है 50 प्लस 40 जो कि है 90 किलोमीटर्स पर आवर. तो फिर टाइम जो बचा है उसके पास वो है 30 डिवाइडेड बाय 90 यानी कि 1/3 आवर्स जो कि है इक्वल्स टू 20 मिनट्स. यानी कि मिस्टर शाह के पास 20 मिनट्स है इस
एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ टॉय ट्रेन, इफ द ट्रेन मूव्स 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड टेक 30 मिनट्स लेस। इफ इट मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, इट वुड टेक 20 मिनट्स मोर। यानी कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक मैन ने कवर किया है टॉय ट्रेन से, अगर सपोज इसने वो डिस्टेंस एक्स किलोमीटर पर आवर में तय किया है, तो बोला है कि अगर ट्रेन 4 किलोमीटर फास्टर मूव करता, मतलब एक्स प्लस 4 किलोमीटर पर आवर में मूव करता, तो उसको जो टाइम, सपोज एक्स किलोमीटर मूव करने से टाइम लगता उसको टी मिनट्स, तो फिर अगर वो एक्स प्लस 4 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है, तो फिर उसको जो है, या फिर इसको टी बाय 60 आवर कर देते हैं, क्योंकि x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम सपोज टी बाय 60 आवर कर लेते हैं, तो टी बाय 60 आवर में सपोज वो रीच कर रहा है। अब बोल रहा है कि अगर उसने 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर चला होता, तो उसको जो है 30 मिनट्स लेस टाइम लगता, यानी कि टी माइनस 30 बाय 60 आवर्स लगता उसको। और सिमिलरली बोला है कि अगर वो ट्रेन जो है वो 2 किलोमीटर स्लोअर मूव करता, यानी कि स्पीड होता x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, तो फिर इट वुड हैव टेकन 20 मिनट्स मोर, यानी कि t प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60 आवर। तो अगर मैं t बाय 60 को कैपिटल लिखूं, तो अगर वो x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है, तो टाइम ले रहा है t माइनस हाफ आवर, और अगर वो x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर में, मतलब कि 2 किलोमीटर स्लोअर मूव कर रहा है, तो जो टाइम वो लेगा वो है t प्लस 1/3 आवर। तो ये हो गया। और अब हमें यहाँ पे इस डिस्टेंस को निकालना है, जो डिस्टेंस वो पर्सन जो है उसने टॉय ट्रेन में कवर किया था। तो अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो है सपोज डी किलोमीटर्स, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉय ट्रेन वो है सपोज डी किलोमीटर। तो फिर डी जो उसका डिस्टेंस है और एक्स जो कि है नॉर्मल स्पीड, वो है इक्वल्स टू कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी जो है वो है इक्वल्स टू डी बाई एक्स। और अब जब एक्स प्लस 4 यानी कि 4 किलोमीटर तेज चल रहा है, तो हो गया डी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 जो कि है इक्वल्स टू कैपिटल टी माइनस हाफ, यानी कि वो है इक्वल्स टू डी बाई एक्स माइनस हाफ। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि d by x माइनस d by x प्लस 4 ये है इक्वल्स टू हाफ, यानी कि dx प्लस 4x 4d dx प्लस 4d माइनस dx, यहाँ पे फिर dx कट जाएगा, वो है इक्वल्स टू, और यहाँ पे इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है वो भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू डी एक्स प्लस 4d माइनस dx, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये है इक्वल्स टू 8d। अब नेक्स्ट, अब सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि d डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ये है इक्वल्स टू t प्लस t जो कि है d by x प्लस 1/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इंटू x वो है dx माइनस dx प्लस 2d, ये है इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे dx माइनस dx प्लस 2d
जो कि है इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी dx कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6d इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो 6d जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि 6x प्लस 6d ये है इक्वल्स टू 8d माइनस 4x, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू 2d। और तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो कैपिटल डी टी है जो कि है इक्वल्स टू डी बाई एक्स, वो है इक्वल्स टू 10/2 यानी कि 5, यानी कि टाइम जो है वो है 5 आवर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इंटू, अब 5 माइनस 1, 5 प्लस 1/3 जो होगा वो है 16/3। तो डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इंटू 16/3 यहाँ से, और यहाँ से आएगा डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 इंटू, अब 5 माइनस 1/2 अगर मैं करती हूँ तो फिर ये आएगा 9/2। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम जो है x और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर आएगा x प्लस 4 इंटू 9/2 माइनस, दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों ही इक्वल्स टू d है, तो x माइनस 2 इंटू 16/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 4 इंटू 27 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू 32, यानी कि 27x प्लस 27 इंटू 4 इट इज इक्वल्स टू 32x माइनस 64। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 है 108 प्लस 64, तो यहाँ पे आ गया 172। तो ये हो गया 172, यानी कि 5x इज इक्वल्स टू 172। अब यहाँ पे हमें पता है कि t की वैल्यू 5 है, यानी कि 5x के जगह हम tx लिख सकते हैं जो कि है इक्वल्स टू tx लिख सकते हैं जो कि है इक्वल्स टू d, यानी हमारा d जो है वो है इक्वल्स टू 172 किलोमीटर्स, जो हमारे चारों ऑप्शन में से एक भी नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीस। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि टू ट्रेन्स मूव फ्रॉम स्टेशन ए टू बी टूवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। At the meeting point, the driver of the second train felt that the train has covered 120 kilometers more. So, what is the distance between A and B? यानी कि A और B, अगर हम ये दोनों stations पकड़े, ये है station A और ये है station B, इन दोनों के बीच में ये दोनों trains हैं, इसमें दो train जा रही है, एक A to B जा रहा है और एक B to A जा रहा है। तो ये दोनों ट्रेन्स जा रही है जो कि टू ट्रेन्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। ए टू बी जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर और ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। और जब ये मीट करते हैं तो ये जो ट्रेन जो बी से निकला था वो रियलाइज करता है कि उसने 120 किलोमीटर मोर कवर किया है, मतलब 100, अगर मतलब इस ट्रेन ने जो ए टू यहाँ पे डिस्टेंस अगर इसने एक्स किलोमीटर तय किया था, तो फिर जो ट्रेन जो बी से जा रहा है उसने एक्स प्लस 120 किलोमीटर तय किया है। और हमारा क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो क्या है। तो यहाँ पे जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा वो है बी प्लस ए,
डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू टी, जहाँ पे ये बी जो है वह स्पीड ऑफ ट्रेन बी यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये है हमारा बी। ए है स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम ए जो कि है 50 किलोमीटर पर आवर, और डी जो है वह है डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा कवर हुई है जो कि है 120 किलोमीटर। तो फिर 60 + 50 / 60 - 50 × d जो कि है 120, तो यहाँ पर बचा 10 और यहाँ पर है 110 और यहाँ पे है 120, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके हो गया 12। तो 12 × 11 जो है वो है 132, सो इट इज 1320 किलोमीटर्स, यानी कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। तो एक रेलवे ट्रैक है सपोज ये, तो इसमें एक ट्रेन है जिसने ओवरटेक कर लिया टू पर्सन वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। द फर्स्ट वन वॉक्स 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर वन वॉक्स 5.4 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन नीड 8.4 सेकेंड एंड 8.5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो पर्सन है जो 4.5 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है उसको क्रॉस करने में ट्रेन को लगा 8.4 सेकेंड, और ये जो 5.4 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को लगा 8.5 सेकेंड। तो फिर हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन को पता करना है इफ बोथ द पर्सन्स आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज ट्रेन, यानी कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये दोनों पर्सन भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें जो है वो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो निकालनी है। तो हमें टाइम पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि क्योंकि अगर हम दोनों पर्सन को क्रॉस कर रहे हैं तो डिस्टेंस जो है वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि एल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो कि है टाइम इंटू स्पीड, तो यानी कि अगर हम स्पीड ऑफ ट्रेन को एक्स किलोमीटर पर आवर, अगर हम सोच ले कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो है एक्स किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे जो स्पीड है सबसे पहले होगा एक्स माइनस 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया स्पीड, और उसके साथ इंटू टाइम, तो टाइम अगर करेंगे तो वो है 8.4 सेकेंड्स, तो 8.4 इंटू, तो फिर यह है 8.4 सेकेंड्स, तो सेकेंड्स को अगर मुझे आवर में करना है तो डिवाइडेड बाय 3600 इतना आवर्स हो गया, यानी कि एक्स, तो ये जो है ये है टाइम जो कि है एक्स माइनस 4.5 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाय 3600, और सिमिलरली ये होगा इक्वल्स टू, ये पार्ट जो है ये होगा इक्वल्स टू एक्स माइनस 5.4 जो कि हो गया रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड पर्सन, ये होगा इक्वल्स टू 8.5 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय अगेन 3600 आवर, और यहाँ पे है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों ही को पार करने के लिए जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो सेम है जो कि है उस ट्रेन का खुद का लेंथ। तब यहाँ से अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 8.4x माइनस 8.4 इंटू 4.5, ये है इक्वल्स टू 8.5x माइनस 8.5 इंटू 5.4,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 0.1x दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया 85 into 54 माइनस 84 into 45 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे अगर 0.1 की जगह 1/10 करते हैं तो यहाँ पे आ गया 85 into 54 माइनस 84 into 45 दिस इज इक्वल्स टू 10x। और 10x इज इक्वल्स टू 85 into 54 माइनस 84 into 45। तो अभी हम इक्वेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10x इज इक्वल्स टू 810 या फिर x इज इक्वल्स टू 81, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर कम्प्लीटली क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ एंड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड्स। इट ऑल्सो पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड्स। तो एक ट्रेन है जिसका लेंथ सपोज हम मान लेते हैं L, तो ये जो है और इसका स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, तो ये कम्प्लीटली क्रॉस कर रहा है अनदर ट्रेन जिसका लेंथ है L/2 और इसका जो स्पीड है वो है 42 किलोमीटर पर आवर और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे क्रॉस करने के लिए उसको 12 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो यानी कि अब देखिए जो टोटल डिस्टेंस है वो है L प्लस L/2, क्योंकि L है इस ट्रेन का डिस्टेंस और इसका है L/2, यानी कि 3L/2 ये हो गया ओवरऑल डिस्टेंस। और जो ओवरऑल किलोमीटर है, जो स्पीड है, जो वो प्लस एडिशन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रेन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 48 प्लस 42 जो है वो हो गया 90। तो 3L/2/90 ये हो जाएगा 12 सेकेंड्स, यानी कि 12/, अब ये सेकेंड्स है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 into 60 हो गया। तो फिर ऐसे हो गया, तो अब यहाँ से अब ये L जो है वो भी हमने किलोमीटर्स में किया है, यानी कि ये L जो है ये भी है इन किलोमीटर्स। तो फिर यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ पर 3 से ये कट के हो गया 30, यानी कि L इज इक्वल्स टू 60 into 12 डिवाइडेड बाई 60 into 60, क्योंकि यहाँ पर 60 आया तो यहाँ पर 60 कट हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 1/5। तो फिर L इज इक्वल्स टू 1/5 किलोमीटर, या फिर अगर हम L को अगर हम किलोमीटर्स के जगह मीटर्स में लिखेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 1000/5 यहाँ से आ गया 200, यानी कि 200 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ जो ट्रेन है वो है 200 मीटर। अब बोला है कि इट ऑल्सो पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड्स, तो यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ भी हमें नहीं दिया गया है उसको पास कर रहा है वो 45 सेकेंड्स में। तो यानी कि अब अगर हम इस 48 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 48 into 5/18, तो ये हो गया 18 इंटू, अब यहाँ पे है 63 और ये हो गया 68, तो फिर यहाँ पे है 40/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो स्पीड है वो है 40/3 मीटर पर सेकेंड। जो टाइम जो वो ले रहा है 45 सेकेंड्स का, यानी कि 40/3 into 45, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये है 600 मीटर, और लेंथ ऑफ जो ट्रेन था वो था 400 मीटर और जो ओवरऑल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर कर रहा है इन 45 सेकेंड्स वो है 600 मीटर,
यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो होगा वो होगा 600 - 200 विच इज इक्वल्स टू 400 मीटर जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पे हमने क्या किया 48 किलोमीटर पर आवर को हमने 40 by 3 meter per second कर दिया. अब ये जो है वो 45 सेकंड्स में पावर पास कर रहा है, तो यानी 45 सेकंड में स्पीड अगर 40 by 3 meter per second हो तो डिस्टेंस होता है 600 मीटर, उसमें से 200 मीटर उसका खुद का लेंथ है तो बचा 600 मीटर, तो बचा 400 मीटर. तो फिर जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर्स. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये है कि अ कार टेक्स 15 मिनट्स लेस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इफ इट इंक्रीजेस द स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर्स फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड. हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर यूजिंग दिस स्पीड. अब देखिए डिस्टेंस जो है वो है 75 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बोल दिया है, और स्पीड अगर हम इनिशियल स्पीड जो है उसको x मानते हैं, जो हमारी जो इनिशियल स्पीड है उसको अगर हम x मान लेते हैं तो अभी का जो स्पीड हो गया वो हो गया 10 किलोमीटर, यानी कि x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो टाइम है वो हो जाएगा 75 divided by x plus 10. तो ये है टाइम 75 divided by x plus 10. ये बोला है कि अ कार टेक्स 15 मिनट्स लेस टू कवर द डिस्टेंस 75 किलोमीटर इफ इट्स इंक्रीजेस. अब देखिए ये जो है वो है t माइनस 15 जो कि है 15 divided by 60 यानी कि 1/4, यानी कि ये जो है वो है t माइनस 1/4. अब ये t क्या है, t जो है टाइम टेकन टू कवर दिस 75 किलोमीटर इन इट्स यूजुअल स्पीड, यानी कि t जो है वो है इक्वल्स टू 75 by x. तो t हो गया 75 by x. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 75 by x माइनस 75 by x plus 10 ये है इक्वल्स टू 1/4. तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 750 into 4 ये है इक्वल्स टू x square plus 10x. तो x square plus 10x माइनस 750 into 4 ये है इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो अब देखिए 75 जो है हो गया 25 into 3 into 10 into 4. तो ये लिख सकते हैं हम कि x square plus 60x minus 50x minus यहाँ पर 750 into 4 ये लिख दिया, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे अगर x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 60 और माइनस 50 कॉमन लेते हैं तो x प्लस अगेन अब 75 से करेंगे तो 50 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो गया 50 plus 60, यानी कि x की जो वैल्यू है वो है या तो 50 या फिर माइनस 60, जिसमें से हम माइनस 60 को नहीं लेंगे तो x इक्वल्स टू हो गया 50. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली जो कि है इक्वल्स टू 50. तो यानी कि हमें स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड मिल गया. अब यह है कि हाउ मच वुड इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स. अब 300 किलोमीटर्स है और स्पीड है 50, तो फिर जो टाइम लगेगा वो है 6, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो होता 6 आवर्स अगर वो पर्सन ट्रैवल करता उसके यूजुअल स्पीड में, यानी कि 50 किलोमीटर्स पर आवर में. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर यूजिंग दिस स्पीड. अब यहाँ पे जो दिस स्पीड है वो उसके यूजुअल स्पीड को रेफर नहीं कर रहा है बल्कि 10 किलोमीटर्स फास्टर करके जो स्पीड आ रहा है वो, यानी कि 60 किलोमीटर स्पीड को कर रहा है, यानी कि हमारा जो x
प्लस 10 हो गया वो है 60, तो फिर जो टाइम है वो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 60 जो कि है 5 आवर्स, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कौन से स्पीड को कर रहा है, अगर यहाँ पे यूजुअल स्पीड लिखा होता तो फिर हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर सी जो कि है 6 आवर्स, लेकिन यहाँ पर जिस स्पीड की बात कर रहा है वो है इंक्रीज स्पीड, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करने के बाद जो स्पीड हो रहा है, इस वजह से जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है 5 आवर्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर्स अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम एंड इन 1 आवर एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट ऑफ करंट इन 10 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। तो मतलब कि अगर हम सपोज करते हैं कि बी है, यह है स्पीड ऑफ बोट, ये है स्पीड ऑफ बोट और एस हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यानी कि जो अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो है, अब देख यहाँ पे लिखा है कि 2 किलोमीटर्स अगेंस्ट द करंट यानी कि अपस्ट्रीम इन 1 आवर, तो अगर डिस्टेंस है तो फिर स्पीड जो है यानी कि b माइनस s जो है वो है डिस्टेंस बाय टाइम, जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो है 2 और टाइम जो है वो है 1, तो b माइनस s इज इक्वल्स टू हो गया 2। और बोला है कि एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स, तो यानी कि b प्लस s जो है वो है इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 बाय 60 यानी कि 1 बाय 6, यानी कि b प्लस s ये है इक्वल्स टू 6, यानी कि b माइनस s है इक्वल्स टू 2, b प्लस s है इक्वल्स टू 6, तो फिर b जो है वो है इक्वल्स टू 6 प्लस 2 जो कि है 8 बाय 2 यानी कि 4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर ये है स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ पे है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो 5 किलोमीटर्स, तो ये हो गया 5 बाय 4 क्योंकि डिस्टेंस है 5 और स्पीड है 4, तो यहाँ पे आया 1, फिर 0.25, तो ये है 1.25। अब ये जो 0.25 है वो है बेसिकली 25/100 इंटू 60, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये है 15 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट्स लेंगे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको स्टेशनरी वाटर में 5 किलोमीटर जाने के लिए 1 आवर 15 मिनट्स लगेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि 2 कार्स ए एंड बी आर ट्रैवलिंग ऑन सेम रोड टूवर्ड्स ईच अदर। इफ़ कार ए इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इज ट्रैवलिंग 50% स्लोअर देन ए, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द कार्स टू मीट इफ द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू वाज 668.4 किलोमीटर एंड कार ए started to drive 1/2 hour before car B। तो आप देखिए जो स्पीड है ऑफ कार ए का जो स्पीड है ए स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और बीज स्पीड है वो 15% स्लोअर है, यानी कि 100 माइनस 15 हो गया 85/100 इंटू 120, तो ये हो गया 85/100 इंटू 120, तो यहाँ से आया, अब ये अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो फिर 85 इंटू 12 है इक्वल्स टू 170 इंटू 6, अब यहाँ से 10 कट गया तो वो हो गया 17 इंटू 6, तो यहाँ से आ गया 7 × 6 = 42, यानी कि बी का जो स्पीड है वो है 102 किलोमीटर पर आवर।
102 किलोमीटर पर आवर. तो बी की स्पीड हो गया 102 किलोमीटर पर आवर. अब बोला है कि ए स्टार्टेड टू ड्राइव 1.5 आवर बिफोर कार बी, यानी कि अब पहले पता करते हैं कि 1.5 आवर में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो एज डिस्टेंस कवर्ड इन 1.5 आवर ये है 120 into 3. अब दिस स्पीड है 120 और टाइम हो गया 3/2, तो यहाँ से आ गया 180 किलोमीटर्स, यानी कि ए ने जो है 180 किलोमीटर तय कर लिया है. अब इनिशियल डिस्टेंस जो था वो था 668.4, यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है जो ए और बी को कवर करना है वो है 668.4 - 180, और इसको कवर करने के लिए जो स्पीड है, अब क्योंकि देखिए दोनों कार जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, ए इस साइड है और बी इस साइड है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रही है, तो फिर जो रिलेटिव स्पीड है वो उनका सम होगा, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा 120 + 102. तो यही है टाइम टेकन, तो ये है इक्वल्स टू 4 रह गया, 0.8 हुआ. उसके बाद यहाँ पर आ गया 488. तो यह है 488.4 डिवाइडेड बाई 222. तो यहाँ से अगर हमने इंटू 10 पकड़ लिया तो यहाँ पे हो गया 2, तो बचा 22. यानी कि जो टाइम टेकन है वो है 2.2 आवर्स. अब यानी 0.2 आवर्स को हम लिख सकते हैं मिनट्स में, अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 × 60, यानी कि 12 मिनट्स, यानी कि ये है 2 आवर्स 12 मिनट्स, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों कार्स जो है वो 2 आवर्स 12 मिनट्स के बाद मीट करेंगी. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे है कि अ ट्रेन ट्रैवल 100 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अ मोटर बाइक ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर इन 40 सेकेंड्स, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ ट्रेन. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ओवरटेक्स लिखा है, मतलब ये जो ट्रेन और मोटर बाइक है वो दोनों एक ही डिस्टेंस में जा रहा है, तो यानी कि और क्योंकि ये एक मोटर बाइक है तो फिर जो हम डिस्टेंस है वो हम लेंथ ऑफ ट्रेन ही समझेंगे. तो डिस्टेंस जो है वो हम लेंथ ऑफ ट्रेन को ही मानेंगे. तो अब ये 100 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा 100 × 5/18. तो 100 × 5/18 यानी कि 500/18 मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड होगा. और ये 64 किलोमीटर पर आवर भी हो गया 64 × 5/18 जो कि है 320/18 मीटर पर सेकंड. तो ये हो गया 500/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 320/18 मीटर पर सेकंड. तो अब क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 500 - 320 यानी कि 180, क्योंकि 500 से 320 जो है 180 कम है, तो 180/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड. तो जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू जो मोटर बाइक है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसको जो है 40 सेकेंड्स लग रहा है. तो जो डिस्टेंस है वो हो गया 40 × 10 जो कि है 400 मीटर्स, यानी कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो है ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर्स. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे है अ कार ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मिनट्स एंड सी अ स्टार्ट ऑफ 39 मिनट्स इन अ वॉकिंग रेस ऑफ 400 मीटर्स. हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी.
यानी कि ए जो है वो बी को 20 मिनट्स का स्टार्ट और सी को 39 मिनट 20 मीटर का स्टार्ट ए जो है वो बी को 20 मीटर का स्टार्ट और सी को 39 मीटर का स्टार्ट दे सकता है इन अ वॉकिंग रेस ऑफ 400 मीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना स्टार्ट जो है वो बी सी को दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो बी को 20 मिनट्स का स्टार्ट दे सकता है, यानी कि ए जितने टाइम में 400 मीटर्स तय करेगा उतना टाइम में बी जो है वो 380 मीटर्स तय करेगा। और क्योंकि ए सी को 39 मिनट्स का स्टार्ट दे सकता है मतलब उतने ही टाइम में सी को जो है वो 400 - 39 सी जो है वो 361 मीटर्स जो है तय कर सकता है। यानी कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस जो है ए इज टू बी इज टू सी का वो है 400 - 300 - 361। अब यानी कि बी जब 380 मीटर तय कर सकता है और सी उतने ही टाइम में 361 मीटर्स तय कर सकता है, यानी कि जब बी when b covers 400 meter when b covers 400 meters then c covers ye ho gaya 400 into 361 divided by 380। यानी कि जब तक B जो है वो 400 मीटर तय करेगा तब तक C तब तक 400 × 361 × 380 मीटर्स जो है वो तय कर सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हो गया 20, ये हो गया 19, नाउ 19 का स्क्वायर होता है 361 तो यहाँ पे आ गया 19 × 20 ये हो गया 380। यानी कि जब तक B जो है 400 मीटर कवर कर रहा है तब तक C 380 मीटर्स कवर करेगा। यानी कि जो स्टार्ट जो B C को दे सकता है वो है 400 - 380 जो कि है इक्वल्स टू 20। यानी कि 20 मीटर का स्टार्ट जो है वो B C को दे सकता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है, सपोज ये ट्रेन है, इसके इसमें एक मैन बैठा है और ये ट्रेन जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। इट टेक्स 9 सेकेंड्स फॉर अ गुड स्पीड इन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू पास हिम। यानी कि सपोज ऑपोजिट डायरेक्शन में एक गुड्स ट्रेन है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो पूरे जो गुड्स ट्रेन को 9 सेकेंड्स लग रहे हैं इस पर्सन को पार करने के लिए। नो, यहाँ पर जो है ये ट्रेन जो है इस पर्सन को पार कर रहा है ना कि पूरे ट्रेन को, इसलिए जो डिस्टेंस होगा वो होगा लेंथ ऑफ दिस ट्रेन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इफ़ द गुड्स ट्रेन इज 187.5 मीटर लॉन्ग, तो फिर जो डिस्टेंस है वो है 187.5 मीटर और हमें जो है फाइंड इट्स स्पीड मतलब कि इस गुड्स ट्रेन की स्पीड निकालनी है। जो हम मान लेते हैं कि सपोज है x किलोमीटर पर आवर, तो फिर जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी 50 + x किलोमीटर पर आवर यानी कि 50 + x × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई रिलेटिव स्पीड, हमें डिस्टेंस पता है और हमें टाइम भी पता है, तो हम कह सकते हैं कि 187.5 डिवाइडेड बाय 5/18 इंटू 50 + x ये है इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1875 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 50 + x
ये है इक्वल्स टू 9 इंटू 5 बाई 18, तो यहाँ से 2 बचा, अब यहाँ से कट के हो गया 5, यानी कि दिस इम्प्लाइज 1875 डिवाइडेड बाय 25, ये है इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स। अब 25 से जब करेंगे तो पहले 7 आया जो कि है 175, तो 175 होने से 12 यानी 125 जो कि है 5, यानी कि इट्स 25 इंटू 75, तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो गई वो है 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड है इस गुड्स ट्रेन की वो है 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि टू साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो मतलब कि एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, स्टार्ट्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, सपोज यहाँ से इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक इधर से जाएगा दूसरा इधर से जाएगा, विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड, तो इफ द सर्कमफेरेंस इज 3300 मीटर, सो व्हाट टाइम विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए ये 300 मीटर है और जो एक का जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, सपोज इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो ए विल रीच स्टार्टिंग पॉइंट, एसपी से लिखा वो है 300 डिवाइडेड बाय 7 सेकेंड्स में, यानी 300 डिवाइडेड बाय 7 सेकेंड्स में ये पहुंचेगा, और बी विल रीच स्टार्टिंग पॉइंट एट 300 डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड्स, तो ये 300 डिवाइडेड बाय 7 सेकेंड्स में पहुंचेगा, ये 300 डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड्स में पहुंचेगा। अब बोला है कि एट व्हाट टाइम विल दे मीट एट, आफ्टर विच टाइम दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ये 300 बाई 7 और 300 बाई 8, अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो है इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स, तो यानी कि ये दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट में 300 सेकेंड्स बाद पहुंचेंगे, तो फिर जो है तब तक, और जब 300 सेकेंड्स में ए ने 7th राउंड कंप्लीट करेगा और बी अपना 8th राउंड कंप्लीट करेगा, बट 300 सेकेंड्स बाद वो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है अ बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए, यानी कि ए और बी इस तरह है, ये पानी है और करंट जो है वो इस तरह से जा रहा है, तो बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी इन 3 आवर्स, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि इसको बी कहते हैं, वो है 9 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट जिसे हम एसेट नोट कर रहे हैं वो है 3 किलोमीटर पर आवर, तो फिर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और इसने बोल रखा है कि जो ओवरऑल जो टाइम लग रहा है यहाँ से ए से बी से ए जाकर फिर ए से बी आने में, वो ओवरऑल टाइम लग रहा है 3 आवर्स, तो यहाँ पे जिस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे वो है टी इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बी। यहाँ पर जो t है वो है 3 आवर्स, t है 3 आवर्स, b तो 9 किलोमीटर पर आवर है और s तो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे आ गया 3 × 81 − 9 / 2 × 9, तो यहाँ पे कट कर हो गया, ये हो गया 3, यानी कि अब 81 − 9 जो है वो है 72, तो 72 / 6, तो 72 / 6 इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है 12 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है कि मोहन एंड संजय रैन अ रेस विच लास्टेड अ मिनट एंड अ हाफ,
Bhuvan gave Sanjay a start of 9 meter and beat him by 1 meter. Bhuvan ran 49 meter while Sanjay ran 39 meters. So length of the course is. अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है कि मोहन और संजय दोनों जो इस रेस को रन कर रहे हैं वो लास्टेड फॉर अ मिनट एंड अ हाफ, यानी कि 90 सेकंड्स के लिए वो रेस चल रहा है. और इसमें है कि मोहन गेव संजय अ हेड स्टार्ट ऑफ 9 मीटर एंड बीट हिम बाय 1 मीटर. तो मोहन ने संजय को एक हेड स्टार्ट दिया 9 मीटर का और बीट हिम बाय 1 मीटर, मतलब कि 9 मीटर का हेड स्टार्ट देने के बावजूद उसको 1 मीटर से बीट कर दिया. और यहाँ पे लिखा है कि मोहन रन 40 मीटर वाइल संजय रन 300 मीटर, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं वो है मोहन और संजय का, तो वो है 40:39. यानी कि जब मोहन 40 मीटर रन करेगा तब संजय 39 मीटर रन करेगा. तो फिर जो डिफरेंस है, तो सपोज हम मान लेते हैं कि मोहन ने जो है 40 × x मीटर रन किया और संजय ने जो है 30 × x मीटर रन किया. अब मोहन ने तो रेस कंप्लीट किया है, मतलब ये 40 × x जो है यही है हमारा लेंथ ऑफ कोर्स, लेंथ ऑफ कोर्स. और ये अब देखते हैं कि यहाँ पे 39 × x मीटर है. अब देखिए मोहन और संजय के रन के बीच का डिफरेंस जो है वो है इक्वल्स टू x मीटर, क्योंकि 40x माइनस 30x वो है x मीटर. मतलब कि मोहन, मतलब कि संजय मोहन से x मीटर कम भागा है. और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोहन ने संजय को 9 मीटर का हेड स्टार्ट दिया था और 1 मीटर से बीट किया था, यानी कि x मीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर और x इज इक्वल्स टू 10. तो अगर x इज इक्वल्स टू 10 है तो लेंथ ऑफ कोर्स होगा 40 × 10, यानी कि 400 मीटर्स, यानी कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि जो लेंथ ऑफ कोर्स है वो है 400 मीटर. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे है कि टू मैन ए एंड बी वॉक फ्रॉम पी टू क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर एट रेट ऑफ 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. बी रीचेस क्यू एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट्स ए एट आर, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर. तो यहाँ पे जो है पी से क्यू तक जा रहा है, अब यहाँ पे सपोज हम कर लेते हैं आर, तो ए जो है ए ने पी से आर तक का डिस्टेंस तय किया, पर बी ने जो है उसने पी से क्यू तक का डिस्टेंस तय किया, फिर क्यू से आर तक का डिस्टेंस तय किया. तो अब हमें पता करना है कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो ए तय कर रहा है. तो डिस्टेंस बिटवीन पी टू आर जो कि है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, वो है इक्वल्स टू 2d × कवर्ड बाय ए है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, जहाँ पे ये कैपिटल डी जो है वो है ओवरऑल डिस्टेंस जो कि है 21, जो स्मॉल ए है वो है थ्री, क्योंकि ए जो है वो 3 किलोमीटर एन आवर की स्पीड में जा रहा है और बी जो है वो है 4. तो यानी यहाँ से हमें मिलेगा 2 × 21 × a यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 3 + 4 यानी कि 7. तो यहाँ पे आ गया 3 विच इज इक्वल्स टू 18. तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 18 किलोमीटर जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये है कि अ ट्रेन विथ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 30 सेकेंड्स, अनदर ट्रेन ऑफ 10 मीटर शॉर्टर क्रॉसेस द सेम ब्रिज एट 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सेकेंड ब्रिज टू क्रॉस द ट्रेन. सबसे पहले तो ये 90 किलोमीटर पर आवर को हम
मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। अब दिस स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड और टाइम, स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकंड, टाइम है 36 सेकंड, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो होगा 25 into 36। तो 25 into 36 जो है वो है इक्वल्स टू 100 into 9, यानी कि 900 meter, यानी कि जो लेंथ ऑफ जो ट्रेन है वो है 900 meter। अब अनदर ट्रेन जो है वो 10 meter shorter है, यानी कि लेंथ ऑफ अदर ट्रेन वो है 800 meters। अब ये हो गया 800 meter, और ये सेम ब्रिज जो है उसे 45 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है। अब इसे 45 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है। अब इसमें जो स्पीड जो है वो है 45 किलोमीटर पर आवर, तो हमने कर दिया 800 डिवाइडेड बाय 45, तो वो है इक्वल्स टू 45 भी किलोमीटर पर आवर है, तो इसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इनटू 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 9 5 9 2, यानी कि 1600 डिवाइडेड बाय 25, जो कि है इक्वल्स टू 16 into 4, जो कि है इक्वल्स टू 64 सेकेंड्स। यानी कि द टाइम टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इज 64 सेकेंड्स, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है अ ट्रेन ए इज रनिंग 60 किलोमीटर पर आवर लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली एट 6 पीएम, ट्रेन बी रनिंग 90 किलोमीटर पर आवर आल्सो लीव मुंबई फॉर दिल्ली एट 9 पीएम, ट्रेन सी लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई एट 9 पीएम। इफ ऑल द थ्री ट्रेन्स मीट एट द सेम टाइम between Mumbai and Delhi, then what is the speed of train C if the distance between Delhi and Mumbai is 1260 km? तो हमें अब meet at some point between, तो यहाँ पे तीन ट्रेन है। सबसे पहले अगर हम ट्रेन A की बात करें तो ये 60 km पर आवर की स्पीड में मुंबई से दिल्ली जा रहा है और इसने लीव किया है 6 PM में। B जो कि 90 km पर आवर में रन कर रहा है, उसने जो है मुंबई से ऑल्सो लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली, ये भी मुंबई से दिल्ली जा रहा है। दूसरा वाला जो ट्रेन है, ट्रेन B रनिंग 90 km पर आवर ऑल्सो लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली, ये भी मुंबई से दिल्ली जा रहा है, और इसने जो है इसका 90 किलोमीटर पर आवर है और ये 9 पीएम पे मीट कर रहा है। और ट्रेन सी जो है वो दिल्ली से मुंबई आ रहा है, वो दिल्ली से मुंबई आ रहा है और इसने भी जो है लीव किया है 9 पीएम में। अब बोला है कि तीनों जो ट्रेन है ए बी सी, तीनों एक पॉइंट बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली में मीट कर रहे हैं, तो हमें जो है स्पीड ऑफ ट्रेन सी निकालना है, जबकि बोल दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन मुंबई दिल्ली एंड मुंबई इज 1260 किलोमीटर। तो अब सपोज करते हैं ये हो गया हमारा मुंबई और ये हो गया दिल्ली, तो मुंबई या दिल्ली हो गया, तो अब ये जो डिस्टेंस है ये बोल दिया गया है कि ये है 1250 किलोमीटर। और सपोज ये तीनों ट्रेन जो है यहाँ पे आके मिल रही है, तो सपोज इस पॉइंट पे आके 1260 किलोमीटर ये हो गया। अब सपोज ये दोनों ट्रेन जो है इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है, इसको दे दिया पॉइंट पी,
तो यानी ट्रेन ए और बी जो है, सपोज ये डिस्टेंस दे देते हैं एक्स, तो ट्रेन ए और बी एक्स किलोमीटर पर एक्स किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, और जो ट्रेन सी है वो 1260 माइनस एक्स किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। अब देखिए, सपोज जो है ये तीनों ट्रेन जो है, अब देखिए ये दोनों ट्रेन जो है 9 PM में ये दोनों ट्रेन हो रही है, ये 6 PM पे लीव कर रही है। तो 6 PM से 9 PM 3 घंटा होता है, और 3 घंटा में ये 180, ये 9 PM तक ये 180 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी, 180 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी। तो यानी कि ए तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, और ए जो है वो यहाँ पे 180 किलोमीटर के बाद इस पॉइंट पे है। तो अब देखिए, ये तीनों अगर एक जगह पे मीट कर रहे हैं, मतलब ए को x माइनस 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम बी को x किलोमीटर और सी को 1260 माइनस x किलोमीटर तय करने में लगेगा। तो हमें डिस्टेंस मिल गया, हमें स्पीड पता है, और पता है कि अगर ये तीनों एक जगह मीट कर रहे हैं तो मतलब टाइम सेम हम पकड़ रहे हैं। तो फिर हमें मिला x माइनस 180 डिवाइडेड बाई 60, ये है इक्वल्स टू x बाई 90, जो कि है इक्वल्स टू 1260 माइनस x डिवाइडेड बाई, हमें स्पीड पता नहीं है तो हमने इसको एस सी कर दिया। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से आया 2, 3, यानी कि 3x माइनस 180 इंटू 3, यानी कि 540, दिस इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 540, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है, ये है 540 किलोमीटर्स। तो ये 540 किलोमीटर्स हो गया, तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 1260 माइनस 540, तो 1260 माइनस 540 जो कि है 20, और यहाँ पे 720 किलोमीटर्स जो है ये वाला डिस्टेंस है। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो है ये 720 किलोमीटर है। अब x की वैल्यू हमें पता है कि 540 है, तो फिर जो टाइम है t, जो कि है इक्वल्स टू 540 बाई 90, तो जो टाइम है वो है 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटा लगेंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 720 बाई SC, दिस इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि टाइम तो हम सेम पकड़ रहे हैं। तो यानी कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन C है वो है 720 डिवाइडेड बाई 6, जो कि है इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन C जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बढ़ रही है, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो ट्रेन C है वो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रही है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कार ड्राइवर ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लेन टू हिल स्टेशन विच आर 200 किलोमीटर अपार्ट एंड एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इन रिटर्न ट्रिप ही कवर्स द सेम डिस्टेंस with average speed of 20 km per hour, the average speed of car in the entire distance of 400 km. अब देखिए, average speed जो है वो है, उसका formula है, average speed का formula है 2xy divided by x plus y. तो average speed का formula है 2xy divided by x plus y. तो
तो यहाँ पर हम x को पकड़ लेते हैं, ये 40 किलोमीटर पर आवर, और y को पकड़ लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर. तो 2 इंटू 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, मतलब कि 40 प्लस 20. तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 4 4 160 डिवाइडेड बाय 6, जो कि है इक्वल्स टू 2 12 40. ये हो गया 26.667, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. तो इस वीडियो में हमने जो है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को लेकर सम सॉल्व किया है. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे. थैंक यू.